कार्तिक काका तनिक रुकिए तो। कहना हमें शीघ्र ही अवंतिका पहुंचना है। तुम बार बार बाग में रुककर लोगों से बतिया कर समय नष्ट कर रहे हो। दाऊ, किसी भी राज्य का ज्ञान उसकी राजधानी से नहीं, उसके ग्राम से होता है। जरा देखिए महाकाल की नगरी के इन ग्रामवासियों की अवस्था। और तुम्हें तो बताइए, मुझे कंदली फल कितना प्रिय है। देखिए उस सामने वो वृद्ध कितने सुंदर फल लेकर बैठा है। चलिए उस फल का सेवन तो करते हैं। बाबा, ये कंदली फल का क्या मूल्य है? कहीं देखा प्रतीत होता है तुम्हें मालूम, मालूम नहीं कर पा रहा। स्वप्न में देखा होगा बाबा। हम मथुरा गोकुलवासी हैं। अवंतिका की सीमा प्रारंभ होती आप ही दिखाई दिए हमें सबसे पहले। हाँ राजकुमार, मेरे जैसे अब तुम्हें ग्राम में मिलते रहेंगे। बाबा बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ कंदली। पुत्र, यह कंदली खाने योग्य नहीं है। तुम तो राजकुमार प्रतीत होते हो। पर मुझे दीजिए, मैं खा लूंगा। और ये कुछ मुद्राएं लीजिए, आगे आने वाला आपका जीवन व्यतीत कर पाएंगे आप इसे। जीवन की चिंता में यह दूषित फल तुम्हें खिलाकर तुम्हारा जीवन नष्ट करो, कदापि नहीं। दूषित कहा बाबा, ये तो बिल्कुल साफ है। आज सुबह ही तो आपका पुत्र लेकर आया था, याद कीजिए। मस्तिष्क में स्वप्न और सत्य का पता चल नहीं पा रहा है। जो आपके सामने है बस उसे ही सत्य मान लीजिए। ये क्या इतने दूषित फल, वो भी स्वर्ण मुद्रा में। बलराम दाऊ, जो इतनी भयंकर दरिद्रता और भूख में भी निष्कपट और धर्मनिष्ठ हो, बिना किसी लोभ के लोगों की सहायता करे, उनकी चिंता करे, और तो और स्वर्ण मुद्राओं से भी मोह ना करे, ऐसा व्यक्ति तो बैकुंठ में स्थान पाने लायक है। ये स्वर्ण मुद्रा क्या चीज है? तेरी लीला तू जाने का ना।